विचारधारा के लोगों ने गांधी का साथ नहीं दिया, जिस विचारधारा के लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की मानवर, जिस विचारधारा के लोगों ने आजादी के आंदोलन को धोखा दिया, उसको भी गांधी ने कभी गद्दार नहीं कहा, कभी देशद्रोही नहीं कहा। हमारे सत्ता पक्ष के कोई भी मित्र किसी को भी देशद्रोही बोल देते हैं, किसी को भी टीवी चैनल पर बैठ के गद्दार बोल देते हैं, किसी को भी भारत के टुकड़े कहने वाला बोल देते हैं। आपको पता है इन बातों से किसी के मन को कितनी तकलीफ, कितना कष्ट पहुंचता है? आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का मौका दिया, और जब मैं आ रहा था तो राकेश सिन्हा जी को मैंने टीवी पे सुनता हुआ आया। बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की, सुन के अच्छा लगा। इनके मुंह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उदाहरण, यही तो भारत है मान्यवर। आज आजादी के 75 साल के बाद भी हम उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, उनके विचारों की बात कर रहे हैं, जिससे पूरे दुनिया में भारत की पहचान बनी। आप अमेरिका चले जाइए, आप रूस चले जाइए, आप लंदन चले जाइए, आप कनाडा चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, न्यूजीलैंड चले जाइए, वहां लोगों से आप कहिए कि हम भारत से आए हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री का नाम शायद बाद में लेंगे, वो भारत के किसी पूर्व प्रधानमंत्री का नाम भी शायद बाद में लेंगे, वो सबसे पहले कहते हैं आप गांधी के देश से आए। गांधी जिसका मतलब अहिंसा, गांधी जिसका मतलब एकता, गांधी जिसका मतलब भाईचारा, गांधी जिसका मतलब प्रेम, गांधी जिसका मतलब सामंजस्य से समाज को लेकर आगे चलना, उस गांधी से पूरी दुनिया में हमारी पहचान बनी मान्यवर। और आज इतिहास के तथ्यों की पड़ताल अगर हो रही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, आजादी के आंदोलन में बहुत से लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का साथ दिया, बहुत से लोगों ने नहीं दिया। आजादी के आंदोलन में मान्यवर अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मान्यता, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोगों ने एक लक्ष्य बनाया कि नहीं, भारत को आजाद कराना है अंग्रेजों से, और उस एक उद्देश्य को लेकर भारत माता की आजादी के लिए सभी अलग अलग मान्यताओं, धर्मों, जातियों के लोगों ने आजादी के आंदोलन में बापू के नेतृत्व में देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया मान्यवर, और देश को आजाद कराया। लेकिन मैं इसके साथ यह भी जोड़ना चाहता हूं कि जिस विचारधारा के लोगों ने गांधी का साथ नहीं दिया, जिस विचारधारा के लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी की मानवर, जिस विचारधारा के लोगों ने आजादी के आंदोलन को धोखा दिया, उसको भी गांधी ने कभी गद्दार नहीं कहा, कभी देशद्रोही नहीं कहा। आज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां फिर से आवश्यकता है उन गांधी की विचारधारा को स्थापित करने की। भारत में उस महान साबरमती के संत के सोच को स्थापित करने की, कैसे अचानक हमारे सत्ता पक्ष के कोई भी मित्र किसी को भी देशद्रोही बोल देते हैं, किसी को भी टीवी चैनल पर बैठ के गद्दार बोल देते हैं, किसी को भी भारत के टुकड़े कहने वाला बोल देते हैं। आपको पता है इन बातों से किसी के मन को कितनी तकलीफ, कितना कष्ट पहुंचता है? भारत पूरी दुनिया में जिस हिंदू धर्म की चर्चा स्वामी विवेकानंद ने की, और उनके शिकागो के भाषण को अगर उठा के आप पढ़ेंगे तो उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी आस्था का सबसे बड़ा कारण सहिष्णुता को बताया, सबसे बड़ा कारण सभी धर्मों और जातियों को एक साथ लेकर चलने को बताया, वसुदेव कुटुंबकम की हमारी विचारधारा को बताया। अरे हमारे हिंदू धर्म में तो लिखा है पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो जब हम कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है मान्यवर, तो हिंदू भी हमारे परिवार का हिस्सा है, मुसलमान भी हमारे परिवार का हिस्सा है, सिख भी हमारे परिवार का हिस्सा है, ईसाई भी हमारे परिवार का हिस्सा है, अगले भी हमारे परिवार का हिस्सा है, पिछड़े भी हमारे परिवार का हिस्सा है। और जब हम गर्व से भारत माता की जय लगाते हैं तो भारत माता की जय का मतलब 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की मां का जय लगाते हैं हम, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की। लेकिन मुझे अफसोस होता है
मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब भारत माता की जय लगाकर हम किसी जाति के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, जब भारत माता की जय लगाकर हम किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की बात करते हैं। भारत माता की जय का मतलब है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जय, और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जय का मतलब है तमिलनाडु वाले का भी जय, केरला वाले का भी जय, आसाम वाले का भी जय, उड़ीसा वाले का भी जय, बंगाल वाले का भी जय, यूपी वाले का भी जय, बिहार वाले का भी जय, पंजाब वाले का भी जय, पूरे हिंदुस्तान की जय। ये सोच अपने अंदर विकसित कीजिए। आप प्रस्ताव लेके आए राकेश सिन्हा जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आज इतने गंभीर विषय पे इस सदन में चर्चा हो रही है। हम लोग डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, रघु ठाकुर जी के साथ हमने काम किया लंबे समय तक। आदरणीय रघु ठाकुर जी ने हमेशा यही सिखाया, लोहिया के विचारों से हम लोगों को हमेशा शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का काम किया, और वो बताते थे कि किस तरह से किसी धर्म विशेष में आस्था न होने के बावजूद वो कोई हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हो, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, ना करते हो, लेकिन वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला का आयोजन करते थे जिसमें रामायण के अच्छी बातों का, अच्छे संदेशों का लोगों के बीच में प्रचार प्रसार हो और अपने जीवन में कैसे बदलाव हो। अगर हम रामचरितमानस की चर्चा करते हैं मान्यवर, उसकी एक लाइन पे अगर हम अपना पूरा जीवन बिता दें, रामचरितमानस की सारी लाइनों को आप पढ़े ना पढ़े, उसके विस्तार में जाए ना जाए, सिर्फ एक लाइन पे अगर अपना पूरा जीवन हम बिता दें तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सब नर करहिं परस्पर प्रीति, आपस में प्यार से हम रहें, यह हमारा रामचरितमानस संदेश देता है। हमारा हिंदू धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन आजादी के 75 साल के बाद हम कहां खड़े। आजादी के 75 साल के बाद हम किसी के कपड़े पर सवाल उठाते हैं, हम किसी की भाषा पे सवाल उठाते हैं, हम किसी की जाति पे सवाल उठाते हैं, हम किसी के धर्म पे सवाल उठाते हैं। क्या ऐसे भारत आगे बढ़ सकता है मान्यवर? क्या ऐसे इस देश का विकास हो सकता है? क्या ऐसे वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा पूरी दुनिया में फैल सकती है? नहीं। और इसलिए अगर हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं, अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता, मैं सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हों या विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, हमारे आपस में कितने भी मतभेद हो सकता है राकेश सिन्हा जी से हमारे वैचारिक मतभेद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे वैचारिक मतभेद हो, लेकिन भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, भारत की विविधता में एकता, भारत की विशेषता जो ये पहचान है, इस पहचान को कभी भी हम मिटने नहीं देंगे। आज इस प्रस्ताव के माध्यम से इस बात का संकल्प हमारी सारी राजनीतिक पार्टियों को इस सदन के अंदर लेना चाहिए मान्यवर। इस प्रस्ताव को आज पास करते हुए यह संकल्प अपने मन में लेना चाहिए, ईमानदारी से लेना चाहिए। और अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं मान्यवर, तो हमारा लोकतंत्र क्या है? अलग अलग दलों के लोग चुन के आते हैं, अलग अलग राज्यों से चुनकर लोग आते हैं, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग चुनकर आते हैं। लोकतंत्र भी तो यही कहता है, मत भिन्नता हो, आपस में आपके वैचारिक विरोध हो, अलग अलग मुद्दों पर आपकी अलग अलग राय हो, लेकिन बावजूद इसके देश के हित में, राष्ट्र के हित में हम सब एक साथ मिलकर काम करें, यह सदन इस बात का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व यह सदन करता है मान्यवर। भारत की संस्कृति का, भारत की सभ्यता का, भारत की भाषा का, भारत की पहचान का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश का प्रतिनिधित्व ये सदन करता है, जहां अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर चुनकर आते हैं और यहां पर देश के हित में जो योजनाएं बनाते हैं, तमाम मत भिन्नताओं के बावजूद एक साथ मिलकर काम करते हैं। यही भारत का लोकतंत्र है। तो जब हम कहते हैं विविधता में एकता, भारत की विशेषता, तो मैं राकेश सिन्हा जी से पूछना चाहता हूं कि हम इस विशेषता को खत्म करने पर क्यों तुले हुए हैं? क्यों आमादा है इस विशेषता को समाप्त करने के लिए? क्यों हम आपस में रोज नफरत की बात करते हैं? क्यों हम लोगों को आपस में झगड़े कराने की बात करते हैं? ये बंद कीजिए, ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जिनका आप उदाहरण दे रहे थे आज अपने भाषण में, क्या उनके उदाहरण से देश आगे बढ़ सकता है?
उनका काला इतिहास है, उनका काला इतिहास है। क्या उन्हीं काले इतिहासों को दोहरा दोहरा के बातें करके, उन्हीं बातों को करके हम इस देश को आगे लेके जा सकते हैं? एक नए भारत की कल्पना जब करते हैं आप, जब आप श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करते हैं, तो आप भारत आज की परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ सकता है इसकी चर्चा करनी चाहिए। कैसे हिंदुस्तान को नए रोजगार के साधन मिलेंगे, कैसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, कैसे अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। मानव एक अभी फिल्म का की चर्चा बहुत तेजी के साथ पूरे देश में है। उस फिल्म की चर्चा आप करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, फिल्में देखनी चाहिए। फिल्मों के जरिए अगर आपके सामने सच्चाई आ रही है तो सच्चाई आनी चाहिए। अपने प्रस्ताव में मैं तो मांग कर रहा हूं आज इस सरकार से कि वो जो फिल्म कश्मीर फाइल्स है, उस फिल्म को यूट्यूब के जरिए पूरे हिंदुस्तान में फ्री कीजिए, पूरे देश का एक एक नागरिक उसको उस फिल्म को देखे, दूरदर्शन पर उस फिल्म को दिखाइए, दो दो तीन तीन बार दिखाइए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर मजाक उड़ाकर, किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर सवाल खड़े करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय आवश्यकता इस बात की है कि उन कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने के लिए आपने क्या किया, यह भी सदन को बताइए। 89 में आपको शायद याद होगा, नहीं याद होगा, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों को निर्ममता के साथ पीट पीट के वहां से बाहर किया गया मान्यवर, उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, मान्यवर सरकार में थी, ये लोग सत्ता में थे, ये सत्ता के भागीदारी थे, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और कश्मीरी पंडितों को जब मार मार के भगाया जा रहा था, आप सत्ता के साथ बैठे हुए थे, खामोश थे। ये इतिहास कभी भूल नहीं सकता। आप ये भी नहीं भूल सकता इतिहास कि आपकी पार्टी के नेता और आपकी पार्टी के जगमोहन जी, जो बाद में केंद्रीय मंत्री हुए, वो वहां के राज्यपाल थे, उनके राज्यपाल रहते हुए कश्मीरी पंडितों को वहां से मार मार के भगाया गया। और यह भी इतिहास कभी नहीं भूल सकता, इसी सदन में आम आदमी पार्टी की ओर से मैंने मामला उठाया था कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 7 वर्षों में आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया, इस पे चर्चा कीजिए, इस पे बातचीत कीजिए। अरे वो भी एक संस्कृति है, वो भी एक संस्कृति है, वो भी एक क्षेत्र की संस्कृति है, वो भी एक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी। अब देखिए आप कश्मीरी पंडितों पे भी इनको समस्या है सर, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास भी नहीं करना चाहते सर। यहाँ दूसरे विषय भी आए प्रस्ताव, ये कश्मीरी पंडितों को भी नहीं बसाना चाहते सर, मैं तो पुनर्वास की बात कर रहा हूँ, मैं तो कश्मीरी पंडितों के हाल में बोलना चाहते हैं, आप उन्हें समय दे रहे हैं, उस पर भी आपत्ति कर रहे हैं आपने जो, अरे उस पर नहीं करना चाहते, आपसे कुछ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन सुन तो लीजिए हमारी पीड़ा तो सुन लीजिए। कश्मीरी पंडितों के लिए आपने कुछ नहीं किया, मैंने मान लिया, सुन तो लीजिए हमारी पीड़ा। आपने कुछ देखे कश्मीरी पंडितों पे भी समस्या सर, कश्मीरी पंडितों की पीड़ा नहीं सुनना चाहते। मैं खत्म कर रहा हूं सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सर ये कह रहा हूं एक प्रस्ताव सदन में पास कीजिए, ये बहुत चर्चा का विषय है इस समय। सारे सांसद मैं तैयार हूं 5-5 करोड़ की अपनी निधि, 1 साल की पूरी निधि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दीजिए, मैं तैयार हूं। आम आदमी पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव ला रहा हूं आपके बीच में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।